बुक माई शो जूट बॉक्स पेश करते हैं कॉमेडी सम्मेलन जस्ट प्रेस प्ले। हेलो पे हाय, मैं हूँ बिट्टू बावरा जिसके पास है नए पुराने हास्य कवियों का पिटारा। तो दोस्तों, हंसना हर बीमारी का इलाज है। बेटा बिट्टू, हंसने से पथरी का इलाज भी होता है क्या? ओहो, दिस ओल्ड मैन आई टेल यू, दद्दू हर बात को लिटरली ले लेते हो यार, क्या बात कर रहे हो? बेटा मैं तो तेरी फिरकी ले रहा था। दद्दू पहले मुंह पर हाथ रख लो, आपके बाजू वाले पर बेमौसम बरसात हो रही है। तो भैया, आज के इस तलकते भड़कते कॉमेडी सम्मेलन की शुरुआत करते हैं बिट्टू बावरा की कत्लेआम शायरी के साथ। भैया आपकी बार तो मार ही डालो, कल पंखे से लटका था, पंखा टूट गया। Somebody just kill me now. Anyways, अर्ज किया है, इतने पड़े हैं डंडे तेरी गली में, गौर फरमाइएगा, इतने पड़े हैं डंडे तेरी गली में, अरमा हो गए ठंडे तेरी गली में, एक हाथ में है कंघी और जुल्फे, जुल्फे संवारते हैं, गाड़ेंगे आशिकी के झंडे तेरी गली में। वाह बोलो। हाँ, अब क्या बताएं जालिम कैसे गुजरते हैं, अब क्या बताएं जालिम कैसे गुजरते हैं, संडे तेरी गली में, मंडे तेरी गली में, सीने पे हाथ रख कर तुझको पुकारते हैं। हैं, दर्द देखो, सीने पे हाथ रख कर तुझे पुकारते हैं, जब मारते हैं पत्थर मुंडे तेरी गली में। बहुत गाए। तो भैया, नाउ लेट्स वेलकम हमारे नए कवि, पेशे से रेडियो प्रोफेशनल हैं और पैशन से पोएट, तालियों के साथ स्वागत कीजिए अभिनव नागर का। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम है अभिनव नागर और फेसबुक पे आप चाहें तो मुझे हर रविवार को कविवार विद अभिनव नागर फेसबुक पेज पे ढूंढ सकते हैं। और वेल, शादी का सीजन चल रहा है तो मेरे पास एक शादी की बड़ी स्पेशल पोयम है। दरअसल एक दर्द है जो तब निकलता है जब पूरे शादी के सीजन में आपके पास कोई न्योता नहीं आता। तो कविता का शीर्षक है, आया नहीं दावते शादी का न्योता। आया नवंबर दिसंबर तो मौसम शादियों का छाया, उड़ा के दावतें दोस्तों ने फेसबुक पे जलाया। हमने इस दफा भी बस डाकिए को ताका, आते जाते कई दफा पोस्ट बॉक्स झांका। सपने सजाए कि यूं होता तो क्या होता, पर आया नहीं दावते शादी का न्योता। पुरानी शादियों के सूट एक लाइन में यूं सजे हैं, वेटिंग लिस्ट के मुसाफिर जैसे बड़ी उम्मीद में खड़े हैं। बेस्ट विशेस लिखा एक लिफाफा कब का तैयार है, सरकारी योजना को जैसे मंत्री जी के साइन का इंतजार है। रिश्ता भले दूर का हो पर फंक्शन करीब होना चाहिए, अपने ही शहर में शादियां निकल आए ऐसा भी नसीब होना चाहिए। मोहल्ले के शादी वाले घरों में चार बार नमस्ते करने का कुछ तो सिला पाया होता, आया नहीं दावते शादी का न्योता। इस बार तो दावत खाने की अप्रोच भी बदली थी, सिर्फ स्टार्टर्स पे अटैक करने की पुरानी सोच भी बदली थी। सोचा था स्टार्टर्स और मेन कोर्स में अच्छा गैप रखूंगा, कुछ भी हो जाए अब की एक एक डिश को चखूंगा, वेटर अगर सूरज है तो मैं पृथ्वी बन जाऊंगा, वो कहीं भी घूमे मैं इर्द गिर्द चक्कर लगाऊंगा। गर्म गुलाब जामुन में पिघलती आइसक्रीम को खाने का क्या मजा आया होता, पर आया ही नहीं दावते शादी का न्योता। अरे कुछ नहीं तो फेसबुक इंस्टा की नई डीपी का इंतजाम हुआ होता, क्या करें आया ही नहीं दावते शादी का न्योता। जी बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को दावते शादी का न्योता जल्द मिले। वाह नागर जी, दिल गार्डन गार्डन हो गया आपकी पोयम सुन के।
बेटा बिट्टू, तेरा दिल गार्डन हो गया तो उसमें सुबह जॉगिंग करने आ जाऊं क्या? ये देखिए, वॉकिंग ढंग से हो नहीं रही है, जॉगिंग करने चले हैं। नाउ दैट्स कॉल्ड एस्पिरेशन। खैर चलिए, अब हमारे सेकंड नंबर कवि को बुलाते हैं, जिनका नाम है विवेक जैन। अपनी पोयम सुनाए बिना इन्हें नहीं आता चैन। प्लीज वेलकम। सबसे पहले तो बिट्टू बाबरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे मेरी जिंदगी की नई मुसीबत के बारे में बात करने का मौका। और आज मैं जो कविता सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है सास। कि भाई, बैचलर लाइफ का हो गया था मैं आदि, मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए माँ बाप ने करा दी शादी। शादी के लड्डू की मिठास जाने लगी थी, हर दो तीन सप्ताह में मेरी सास आने लगी। दामाद जी कहती है, और भिगो भिगो के इज्जत होती रही। बीबी टाइम पे खाना बना तो देती है, पर ये खाने कहाँ देती है। बिना तारीफ के निवाला मुंह के अंदर जाने कहाँ देती है। फिर मारती है ताने, सूख के कांटा हो रहे हो, अरे हम है ना, किस बात की टेंशन ले रहे हो। अब ये टेंशन को कौन बताए कि टेंशन ही टेंशन की टेंशन है। अपना घर छोड़ के दामाद के आके रहना, क्या आजकल ये नया फैशन है। यही नहीं, मेरे कपड़ों से लेके जूतों तक पे मेरी सास के साथ पैकेज डील में आया उनका बेटा, मतलब मेरा साथ। मेरे कपड़ों से लेके मेरे जूतों तक पे हक जताता है, भाई साहब मेरी शादी वाली शेरवानी पहन के बंदा क्रिकेट खेलने जाता है। सांसें लड़खड़ा जाती हैं सास को देखकर, मन कांप उठता है साले को मेरे लिबास में देखकर। मेरा छोटा सा घर ओवर क्राउड होने की देता है दुहाई, और 2400 घंटे ब्रेथलेस चलती है टीवी। शादी हो तो गई है पर टाइम कहाँ देती है भी। साला भी घर में बैठ के मुफ्त मौज उड़ा रहा है, बस मेरा ससुर ही बैचलर लाइफ का लुत्फ उठा रहा है। सरकारी टूर के नाम पे बैंकॉक पटाया, और ना जाने कहाँ कहाँ जा रहा है। एक मिनट, ये दामाद जी की आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है मेरी सास बुला रही है। आया मम्मी जी। जैन साहब की बिना प्याज लहसुन वाली पोयम के बाद अब बारी है आपके अपने बिट्टू बावरा की, और हम हमेशा की तरह आपको सुनाएंगे एक कत्लेआम शायरी, और आज की शायरी अंग्रेजी में। ए बेटा बिट्टू, अंग्रेजी बुरा मान जाएगी बस कर ले। प्लीज इग्नोर दिस ओल्ड मैन। तो ये अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा, कान लगाइएगा। इंडिया इज अ नेशन एंड दादर इज स्टेशन। इंडिया इज नेशन एंड दादर इज स्टेशन। डू नॉट फॉल इन लव, डू नॉट फॉल इन लव, फर्स्ट कंप्लीट योर एजुकेशन। तालियां तालियां भाई, हमारे लिए भी तालियां। चलिए अब बुलाते हैं हमारे कवि नंबर 3 यानी कि फाइनल कवि अमन को। आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी आज की कविता का विषय है भ्रष्टाचार। कविता कुछ इस तरह से है, जैसे खिचड़ी के साथ खाने में अचार, ठीक वैसे ही है सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार। बच्चे के स्कूल में एडमिशन से लेकर वृद्धा पेंशन तक, बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट तक,
सब कुछ घूस देकर ही तो बन पाता है। सरकारी दफ्तरों और घूसखोरी का चोली दामन का नाता है। नेताजी की सरकार में सरकारी नौकरियों का भंडार होगा, पर मिलेगी उसी को जो नेताजी का रिश्तेदार होगा। थाने के अंदर मुजरा चल रहा है, आराम फरमा रहे हैं, चरपैया डाले हैं। पूछने में पता चलता है कि दरोगा जी नेताजी के दूर के साले हैं। राशन लेने के लिए जनता बाहर खड़ी है और कोटे वाले कान में तेल डाले अंदर लेटे हैं। बाद में पता चला कि वो मंत्री जी के फुफेरे ससुर के बेटे हैं। हॉस्पिटल और स्कूलों में चल रही है हड़ताल, क्योंकि अधिकारी पैसा खाने के चक्कर में कर रहे हैं जांच पड़ताल। कोई भी टेंडर पास करवाना हो तो खिलाओ, बैंक से लोन निकलवाना है तो खिलाओ, अपनी फाइल आगे बढ़वानी है तो खिलाओ, और नौकरी पानी है तो खिलाओ, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चाहिए तो खिलाओ, कोर्ट में अपने फेवर में जजमेंट चाहिए तो खिलाओ, थाने में खुद दंड से बचना और दूसरों को दंड दिलवाना हो तो खिलाओ, और अपना खुद का फंड निकलवाना है तो खिलाओ। हमेशा यही फंडा अपनाओ, जब भी घूस खाओ, घूस लेते हुए पकड़े जाओ तो घूस दे के छूट जाओ। घूस ऐसे ही खाते हैं, साथ में चटनी मिर्ची या अचार तक नहीं लेते, और इतना खाने के बाद हजम भी कर जाते हैं, यहाँ तक कि डकार तक नहीं लेते। खिलाओ और खिलाओ, हर कोई यही रटता है, इतना खाते हैं तो इनका पेट क्यों नहीं फटता है। कोई नहीं पूछता जनता से कि उसको क्या कष्ट है, ऊपर से नीचे तक सारे के सारे भ्रष्ट हैं। पर ये सारे सरकारी कर्मचारी इसीलिए तो खाते हैं क्योंकि हम और आप इन्हें सहला सहला के बड़े चाव से खिलाते हैं। हम ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं, जो जैसा करता है वो वैसा पाता है, 100-200 रुपए देकर हमारा काम तो जल्दी हो जाता है। पर हमारे और आपके चक्कर में उनके काम नहीं होते हैं जिनके पास देने के लिए दाम नहीं होते हैं। लाइन में लग लग के बेचारे गरीबों के ही तो जख्म रिसते हैं। इस भ्रष्टाचार के चक्कर में गरीब और लाचार लोग ही पिसते हैं। वो दिन दूर नहीं जब राष्ट्रीय पर्वों पर सबकी जुबान पर यही नारा सरेआम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा भ्रष्टाचार का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा भ्रष्टाचार का नाम रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, क्या बात है, बिट्टू बावरा का दिल फिर से गार्डन गार्डन हो गया। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए कवियों के साथ। और हाँ, अगर आपको कोई सवाल शिकवाया शिकायत हो तो हमें ईमेल करें jukebox@bookmyshow.com पर। अभी के लिए बिट्टू बावरा की तरफ से सायोनारा। ये था बुक माई शो जूक बॉक्स कॉमेडी सम्मेलन। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। Just press play. Audio Matic.